राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल, और ये चैनल भारत के सभी किसान भाइयों की आवाज़ का चैनल है, और ये चैनल सत्य की आवाज़ का चैनल है। मेरे किसान भाइयों, अपना एक चैनल एक और था, फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के अंदर 1.5 लाख अपने सब्सक्राइबर थे, जो आपकी ही देन थे वो सब्सक्राइबर। रात्रि 15 तारीख को मध्य रात्रि 12:40 के ऊपर ये जो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल है, ये किसी ने हैक कर लिया। अब हैक तो कर लिया मेरे किसान भाइयों, इस चैनल के अंदर मेरे करीबन 2-3 साल बहुत कड़ी मेहनत करी थी, और आप लोगों के प्यार से 1.5 लाख सब्सक्राइबर अपने हुए थे, और मैंने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डाले थे आप लोगों के लिए खेती बाड़ी के। पर इस जो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल है, इस पे अब पता नहीं मैं वीडियो कब डालूँगा कब नहीं डालूँगा, और ये फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल लौटने का कम उम्मीद है। ऐसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको लाने के लिए, परंतु हो सकता है जो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल है उसके ऊपर अब जो वीडियो आएंगे वो मेरे नहीं आएंगे। अगर फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो आता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा। मेरे किसान भाइयों, वो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, मेरा फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल चोरी हो चुका है, हैक हो चुका है, और जिस भी हैकर ने ये चैनल चुराया है, एक बात अवश्य ध्यान रखे कि सत्य की हमेशा जीत है। मैं हमेशा गीता पढ़ता हूँ और रामायण भी पढ़ता हूँ, और गीता के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। मेरे किसान भाइयों, सत्य की आवाज़ छुपाई नहीं जा सकती है, और जिस हैकर ने भी ये चैलेंज चुराया है, मैं आज भी उसके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कृपया ये चैलेंज फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैलेंज मेरे को लौटा दो। ये मेरा भविष्य नहीं है, ये भारत के अंदर प्रत्येक किसान भाइयों का भविष्य है, गरीब किसान भाइयों का भविष्य है। मेरे किसान भाइयों, आपसे निवेदन ये करता हूँ कि आगे से मैं जो भी वीडियो डालूँगा, अपना दूसरा चैनल है एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल, और भगवान की दया से और आपकी सूझबूझ से मैंने ये दूसरा चैनल भी चला रखा था, और आज भी अपने इस चैनल पे 11,000 सब्सक्राइबर है। मेरे किसान भाइयों, हो सके जितना इस वीडियो को आप इतना शेयर करो मेरे किसान भाइयों, आपके सब किसानों के हाथ जोड़ के निवेदन है कि उस हैकर तक अपना ये वीडियो पहुंचे, और वो शर्मिंदा होकर अपना ये चैनल वापस मेरे को लौटाए। मेरे किसान भाइयों, जो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल था, उस चैनल के माध्यम से हज़ारों किसानों लाखों किसानों ने अपना भविष्य बनाया है, और मैंने सत्य के आधारित में उस चैनल के ऊपर वीडियो बनाया है। चाहे मैं आज भी आप लोगों को वचन देता हूँ, चाहे सब्सक्राइब मेरे को 50 मिले, चाहे 5 लाख सब्सक्राइब मिले, परंतु मैं आप लोगों का मार्गदर्शन हमेशा करता रहूँगा, और वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए कृषि वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे किसान भाइयों, मैंने आवाज़ उठाई थी जहर मुक्त खेती, पेस्टिसाइड कंपनियों को बहिष्कार करो, परंतु इस जो ये चैलेंज जो हैक हुआ है, मेरे को डाउट है कि ये जो पेस्टिसाइड की जो कंपनियां हैं उनकी भी चाल हो सकती है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का मैंने पेस्टिसाइड रुकवाया है, किसानों को ट्रेंडिंग दी है ऑर्गेनिक खेती की। मेरे किसान भाइयों, आप लोगों के लिए हमेशा मैं वीडियो के माध्यम से सभी की मैं सेवा करता आया हूँ और करता भी रहूँगा, और आशा करता हूँ कि अपने इस चैनल को इतना बढ़ाओ आगे कि फार्मिंग हिंदी एडवाइज भी पीछे रह जाए। और मेरा वचन है आप लोगों के लिए, मेरे जो भी वीडियो आएंगे आप लोगों के लिए फ़ायदे की वीडियो मैं बनाऊंगा, और बहुत शानदार वीडियो बनाऊंगा, और फार्मिंग हिंदी एडवाइज के ऊपर चैनल के ऊपर 15 अप्रैल रात्रि के 12:40 के बाद के अंदर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उस चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हैक हो चुका है मेरा चैनल, मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं है। आगे गूगल से भी वार्तालाप चल रही है मेरी, और
और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चैलन आ जाए, और मैं उसे करके भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये गरीब किसानों का चैलन है, गरीब किसानों का चैलन है, गरीब की आत्मा को मत दुखाना, नहीं तेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। आज मैं हॉस्टल में भर्ती रह के आया हूँ, हॉस्पिटल में मैं आज भर्ती रह के आया हूँ, और करीबन 5 घंटे में हॉस्पिटल में भर्ती रहा था हार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल के गम के अंदर, और फिर भी मैं शाम को घर लौटा, घर लौट के, और यह संदेश मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे जीवन काल के अंदर मैंने सत्य के मार्ग पर चला है, मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चला हूँ, हमेशा गौ सेवा पर ध्यान दिया है, मैंने गायों के लिए ध्यान दिया है, गरीब किसानों के लिए ध्यान दिया है। मेरे किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि अपने इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, और फार्मिंग हिंदी एडवाइस के जो भी सब्सक्राइबर है उनसे सभी से निवेदन है कि अपना जो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल है इसके अंदर आप आ जाओ। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।